महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दशहरे की वार्षिक रैली के दौरान हाल ही में एनसीबी द्वारा की गई छापेमारी के बारे में बात की। जांच एजेंसी का नाम लिए ही बिना सीएम ने कहा कि वे मशहूर हस्तियों को पकड़ने में रुचि रखते हैं, उनकी तस्वीरें क्लिक करवाकर शोर मचाने का काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय एजेंसी जहां कम मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी कर रही है, वहीं महाराष्ट्र पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने 150 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। सीएम ठाकरे ने हाल ही में मुंबई में नशीली दवाओं की जब्ती की घटनाओं के बाद विपक्षी दलों द्वारा उनकी सरकार पर सवाल उठाने का हवाला भी दिया। आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि राज्य की सरकारों के पास भी केंद्र सरकार की तरह अधिकार हैं। अगर इन अधिकारों को कोई कम करने की कोशिश कर रहा है तो इस बात पर बात होनी चाहिए। केंद्र सरकार का राज्य के अधिकार में घुसना अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या ड्रग्स का खतरा केवल महाराष्ट्र में है? मुंद्रा एयरपोर्ट कहाँ है जहाँ करोड़ों रुपए की नशीली दवाएं और ड्रग्स जब्त किए गए थे? एनसीबी ने 2 अक्टूबर की शाम को मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज पर चल रही रेव पार्टी पर सनसनीखेज छापा मारा था। इस छापे में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था। मामले में अभी जांच एजेंसी ने लगभग 20 से ज्यादा लोगों को पकड़ा के आर्यन की जमानत याचिका की सुनवाई में अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों की तीखी दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन दमेचा पर अपना फैसला बरकरार रखा है। अदालत ने 20 अक्टूबर तक के लिए जमानत पर फैसला स्थगित कर दिया। फिलहाल सीएम उद्धव ठाकरे की इस बात से आप कितना ताल्लुक रखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले।